Good morning, everyone. It's a beautiful morning today and we're headed out. I'm wearing this very pretty, simple beige kurta with these blingy earrings that I really like. Hi guys, good morning. So it's Saturday morning and aaj ka vlog maine thoda sa late start kiya hai. It is 11:30. So today we are heading off to a Gurdwara in Patiala and I'll take you guys with me. So I'll show you around where exactly we'll be going. So stay tuned. सो गाइज यहाँ से निकलते ही हमें रास्ते में ये कोकोनट वाटर की एक जगह दिखाई दी तो आई हैड टू हैव कोकोनट वाटर बिकॉज इट्स माई एब्सोल्यूट फेवरेट और हमने जर्नी की स्टार्ट की एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक से हमने कोकोनट वाटर पिया और उसके बाद सामने ही आई सॉ दिस अमरूद वाला एंड आई हैड टू हैव बिकॉज दिस इज़ लोकल. अब हम अपना कोकोनट वाटर पी के और अपने फ्रूट्स लेके निकल पड़े थे पटियाला की तरफ. द डे वाज ब्यूटीफुल एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू विजिट दिस प्लेस बिकॉज मैंने इस गुरुद्वारे के बारे में बहुत कुछ सुना था और साथ में मुझे कुछ फूड जॉइंट्स भी थे जहाँ पे जाना था. और सो वी फाइनली रीच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब और ये साइट इतना ब्यूटीफुल था. एक तो वाइट कलर, द वेदर, क्लाउड्स वाइट और इतना पीसफुल. आई सिंपली लव्ड इट. ऐसे लग रहा था द होल प्लेस वाज लिटरली वेटिंग एंड इनवाइटिंग अस. और आई दिस वाज माय फर्स्ट टाइम हियर बट आई थॉरली कम्प्लीटली फाउंड इट पीसफुल. हेलो यू गाइस, इट्स क्वार्टर टू टू इन द afternoon now and we've reached. Once you are back, we have plans here. हम लोग plan कर रहे हैं. यहाँ पे बहुत famous पाव भाजी है. I'll go there. We'll go there and we'll see. So yeah, I'll see you soon. सो ये दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट. यहाँ पर सरोवर में ये जो फिश होते हैं टू जस्ट वॉच देम एंड ऑब्जर्व देम दिस इज़ सो पीसफुल. और ये सरोवर इतना प्रिटी लग रहा था विद द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट. जस्ट लुक एट इट, सो ब्यूटिफुल. हाई गाइज, सो वी जस्ट बैक फ्रॉम गुरुद्वारा एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर. बहुत ही ज़्यादा गर्मी है एंड बट द एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस एज ऑलवेज. बहुत अच्छा था, बहुत क्राउडेड भी नहीं था एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. आई थिंक हम यहाँ पे पहली बार आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा है, वेरी पीसफुल. सो नाउ वी आर हेडिंग ऑफ टू ईट समथिंग. लेट्स सी व्हाट वी फाइंड आउट एंड वी टेक यू देयर. तो अब हम जा रहे थे अपनी फेवरेट पाव भाजी खाने. बहुत फेमस है यहाँ की, यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस. और मैंने ये सुपर स्पाइसी वाली पाव भाजी ली थी. इनके पास एक सिंपल भी थी बट आई लव स्पाइसी फूड. और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी. आई लीव अ लिंक टू देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. और आए तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप ओवर था ये जगह जिसका नाम है चावलास चिकन. वी आई डोंट ईट चिकन, ओके, बट मुझे यहाँ की हमने सुना था कि फ्रूट क्रीम बहुत फेमस है तो हमको ये जाना ही था और ये टेस्ट करनी ही थी. और यू कैन सी, यू कैन लिटरली लुक एट मी, मेरे को ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी एंड आई एम नॉट इवन ओवर एग्जैजरेटिंग. यू शुड गो देयर डेफिनेटली. बहुत ज़्यादा टेस्टी थी. इसमें इन्होंने फ्रोज़न फ्रूट्स डाले हुए थे और बहुत हैवी भी नहीं थी. मैंने पता नहीं कितने सालों बाद फ्रूट क्रीम खाई है. मतलब बचपन में तो खाते थे बट उसके बाद कभी फ्रूट क्रीम नहीं खाई थी. इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस. एंड देयर आफ्टर वी वेंट टू दिस बेकरी. यहाँ भी हमें ज़रूर जाना था. आई थिंक ये वर्मा बेकरी थी. और यहाँ पर मैंने ये आटा के आलमंड कुकीज़, गुड़ तिल कुकीज़ एंड बीटरूट चिप्स, रागी चिप्स, पेरी पेरी चिप्स, ये सारे के सारे चिप्स हैं और सब कुछ ले लिया. और इन द नेम ऑफ हेल्दी फूड. बहुत ह्यूज बेकरी, यू कैन लिटरली सी, बहुत बड़ी बेकरी थी एंड रियली अ नाइस प्लेस टू गो.
ओके जी, उसके बाद हम गए ये सिरामिक की एक जगह थी यहाँ पे। मैं तो मतलब आई वॉज रियली इन्जॉइंग दिस टाइम राइट नाउ। एंड इतना कुछ खाने पीने के बाद हमने ये सिरामिक की जगह पे मैं गई और यहाँ से मैंने कुछ सिरामिक पॉट्स लिए। आई शो यू लेटर। फाइनली वी सो टायर्ड राइट नाउ, बट इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल डे। वी हेडिंग बैक टू चंडीगढ़ एंड आई होप यू लाइक द व्लॉग। और अगर अच्छा लगा होगा जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वन। टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। बाय बाय। सम प्लेसेस आर वर्थ रिमेम्बरिंग अ लाइफ टाइम एंड दिस ब्यूटिफुल प्लेस वॉज डेफिनेटली वन ऑफ देम। I'd love to come back to make some more memories here. Until then, goodbye.